डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 22वां दीक्षांत समारोह आज। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वहीं MG कंपनी के MD मिस्टर चौबे भी शामिल होंगे। और इस बार भी बेटियों ने मेडल जीतने में पासी मार ली है। पॉलिसी को लागू करने जा रहे हैं, उसकी कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आ रही हैं और उनका समाधान सबसे बड़ी? लागू तो चल ही रहा है। चुनौती जो है, सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट ईयर में, हाँ अब आपका इसका इसमें जवाब आएगा, फर्स्ट ईयर में बच्चे को एग्जिट करना है तो उसे 4 क्रेडिट का स्किल कोर्स किया जाना जरूरी है, तभी आप सर्टिफिकेट दे पाएंगे। भाई उसकी कौन सी स्किल करना है? हम लोगों ने क्या किया कि जो फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप करता है बच्चा, वर्कशॉप आप बच्चे वर्कशॉप का मतलब हमने भी धंधा चलाया है, हमने भी फाइलिंग करी है, तो हमने उसको भी स्किल मान रहे हैं, तो हम कुछ तो देंगे कि आप साल भर के बाद बच्चा चला जा रहा है। एक ये चैलेंज है, चैलेंज ये है कि 4 क्रेडिट का उसे स्किल कोर्स पढ़ाना है तो हमारे 160 क्रेडिट में कहाँ फिट इन होगा? लड़की को ज्यादा पढ़ना है, 160 तो बीटेक के लिए पड़ेगा प्लस 4 स्किल के लिए पड़ेगा एक साल में, तो 4×16 क्रेडिट तो वो 4 साल में इसको पढ़ना पड़ेगा। एक चैलेंज ये है, तो इसमें माइंडसेट चेंज करने में दिक्कत है। माइंडसेट का जैसे 3 डॉक्यूमेंट है, मैं आप क्योंकि मीडिया में है, आप अन्य संस्थाओं के फैकल्टी मेंबर से भी बात करते हैं, निदेशकों से भी बात करते हैं, मैं 3 डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, आप उनसे पूछिएगा, अगर आपको सही उत्तर मिल जाए तो मेरे को जरूर बताएगा। एक है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये जो NEP के ही डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये UGC की भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, इस NEPC के इर्द गिर्द है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, 3 डॉक्यूमेंट है। क्यों भाई सही है, आपको ले गए फोटो कॉपी, ये लेके गए हैं, जैसे चर्चा होगी तो आपको मैं दे दूंगा। आप ये जो तीनों डॉक्यूमेंट को जब तक सभी लोग नहीं पढ़ेंगे, संस्थाओं के स्तर पर बता रहा हूं, क्या हम तो पढ़ाते ही है, सब पता चलेगा कि क्रेडिट क्या होता है, लड़के को कैसे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आना है, लाना है, तो हम उस हिसाब से काम। हमने क्यों बताया कि अभी हम लोग फिजिकल वर्कशॉप करने जा रहे हैं सारे BOS के मेंबर का, क्यों करने जा रहे हैं, सबको एक जगह बुलाएंगे, सभी अभी ऑनलाइन बैठे हैं, दुनिया भर की कहानी बताते हैं कि ये पढ़ाया जाना चाहिए, जब वो चर्चा करते हैं तो ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री जरूर पढ़ाई जाए, क्यों, केमिस्ट्री अगर हटा देंगे तो इतने टीचर बेरोजगार हो जाएंगे। अरे हम टीचर के रोजगार के लिए NEP लागू कर रहे हैं क्या? हम छात्रों की शिक्षा देने के लिए NEP लागू करने जा रहे हैं? आपको केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री का टीचर पे रोजगार हो जाएगा, वो कोई और चीज पढ़ना नहीं चाहते भाई, ग्रीन हाइड्रोजन है, इन्वायरमेंट है, वो तो कम से कम पढ़ के पढ़ाओ, ये तो केमिस्ट्री का विषय है, तो अपने को अपग्रेड करेंगे नहीं, फैकल्टी डेवलपमेंट होता तो एबसेंट रहेंगे और फिर कहेंगे सब यही केमिस्ट्री पढ़ा लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने 87 में बीटेक किया था, हम सेकेंड ईयर में बाइनरी नंबर पढ़े थे, नंबर सिस्टम जिसमें गेट आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आज वो 10th का लड़का पढ़ रहा है गेट, लॉजिक गेट्स, और भी पहले आता था, मैं आपको अभी, मैं हो सकता है 4-5 साल पहले मैं अपनी बिटिया को पढ़ा रहा था तब देखा था, वो बीटेक हुआ है। अभी क्या है कि मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो FM AM बोलते हैं ना, AM रेडियो, वो हमने बीटेक 3rd ईयर में पढ़ा था, आज वो 11th में, हो सकता है आप जो कह रहे पहले भी, कैरियर्स मतलब सिग्नल कैरियर्स वो पढ़ा रहे, तो हम अगर अब, अच्छा आपको बता दूं मैं, हमारे संस्थाओं के कैरिकुलम में आज भी ये बाइनरी नंबर है, उसको हटाना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो जो आप बता रहे ना, तो ये सब एक अकेला वाइस चांसलर का काम नहीं है, ये सभी संस्था के डायरेक्टर टीचर सबका काम है। मैं तो पढ़ लिया, मैं आपको बता दूं, मैं आप जो और मीडिया बंधु हैं वो हमसे चर्चा करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पब्लिश होता है, मैंने अपने मलिक को बोल रखा है कि जब डाक प्रिंट करते हो तो UGC के सर्कुलर और AICT के सर्कुलर हमारे डाक में जरूर रखना, तभी हमको पता लगता है ना UGC क्या चाहती है, AICT क्या चाहती है, यही सबको करना पड़ेगा। तो 2047 में विकसित भारत बनना है कि नहीं बनना है, तो अभी क्यों चिंतित हो रहा हूँ? पेटेंट तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, किसी IPR का एक प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना, जैसे हमने कोई रिसर्च पेपर लिखे तो रिसर्च पेपर हमारा प्रॉपर्टी है,
लेकिन नहीं है। कहने के लिए आपका रिसर्च पेपर है, क्या करते हैं ये जो भी जर्नल पब्लिश करते हैं वो एक आपसे फॉर्म भरवाते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी हो। हम लोग उनके पेपर $23 में IEEE बेच रहा है, हम नहीं बेच सकते। हमें भी अगर, हमको तो हमारे लिए फ्री है, बट हम अगर इनको रजिस्ट्रार को देना चाहते हैं तो हमें खरीद के देना है या ये खरीदे। वो प्रॉपर्टी वो भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन थोड़ा वो लीगल टर्म में है, ये बताएंगे ला देखेंगे। ये है बगीचा मैडम, लीफ फीस मांग रहे हैं सर आपसे, IPR जो है ना। बट हम लोग अभी पेटेंट पे बात करें, पेटेंट क्या है, अगर हमने मान लो कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया उसके अंदर कोई कंसेप्ट है उसका पेटेंट करा लिया वो हमारी राइट। पेपर उनका है बट वो चूंकि हमारा इनोवेशन है।